हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज फिर से लाया हूँ क्लास 12 के इंग्लिश बुक से, जो एक चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, लिखा है सुशेन हिल जी ने। उन्हीं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन लाया हूँ जो हर साल आ चुका है, एकदम कॉमन है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी अगर सवाल आएगा इसके ऊपर आप कर सकते हैं। इतना कॉमन क्वेश्चन तो मैं आज यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ पीएच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और पूरा देखने के बाद अपने दोस्त को भी शेयर करें, ठीक है। पहला सवाल ये वाला कि व्हाई आरंट देयर एनी कर्टेंस एट द विंडोज ऑफ मिस्टर लैम्स हाउस। एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो मिस्टर लैम है उनके घर में खिड़कियों पर पर्दा क्यों नहीं लगाता था, वो उनको पसंद था या फिर नहीं था, क्यों नहीं लगाता था। ये 2012, 16, 18, ये देखिए दो साल गैप करके एग्ज़ाम में आता है, क्यों नहीं लगाता था। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कि देयर आर नो कर्टेंस एट द विंडोज ऑफ मिस्टर लैम्स हाउस बिकॉज मिस्टर लैम इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ देम। क्योंकि उनको पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था पर्दे लगाना। ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि कर्टेन शार्ट थिंग्स आउट और इन। उनके हिसाब से अगर पर्दा लगाते हैं खिड़कियों पे, दरवाजे पे अगर हम पर्दा लगाते हैं तो बाहर का चीज़ अंदर नहीं आते और अंदर का चीज़ बाहर नहीं जाते, जैसे हवा, रोशनी, ठीक है। ही हैज़ नो प्रॉब्लम विथ लाइट, उनको लाइट से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अंधेरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको। एंड ही लाइक्स हिज विंडोज ओपन टू हेयर द विंड, और उनको अच्छा लगता था कि उनका विंडो एनी टाइम ओपन रहे और वो जो हवा का जो आवाज़ें हैं उनको सुन पाए, उनको ये अच्छा लगता था, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई एंड हाउ डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। क्यों और कैसे डेरी मिस्टर लैम के गार्डन पे घुस आया था? देखिए कितने साल रिटर्न हो चुका है, 2012, 13, 15, 16, 17, 2 to 3 मार्क्स का रहेगा। कि डेरी एंटर्ड द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल, वॉल के ऊपर से चढ़ के आया था अंदर, ठीक है। ही थॉट द गार्डन वॉज एम्प्टी, वो सोचा था कि ये जो गार्डन है एम्प्टी है, खाली पड़ा है। एंड दैट नोबडी वॉज देयर इन द हाउस, और वो ये सोचा था कि उस घर पे शायद कोई भी नहीं होगा, इसलिए वो उधर टाइम बिताने के लिए चला गया था, क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उनका चेहरा जो जला हुआ था, ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो लिंक क्लिक करके आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, आसानी से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड। देखिए इवेंचुअली व्हाट वी सी दैट ये जो डेरी है वो मिस्टर लैम के घर वापस जाता है। क्यों जाता है वापस? 2013 में 17 में आता है, आ चुका है। डेरी वेंट बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड बिकॉज, क्यों गया था? बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू हेल्प मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम को हेल्प करना चाहते थे विथ स्क्रैप एप्पल्स, जो एप्पल्स गिरा पड़ा है, कच्चा जो एप्पल्स गिरा पड़ा है। एंड ही लुक एट थिंग्स एंड लिसन बीस, वो चारों तरफ जो जो चीज़ें हैं उनको देखना पसंद करता था, इसलिए वो वापस जाना चाहता था। मिस्टर लैम को हेल्प करना चाहता था इसलिए वापस जाना चाहता था। लिसन बीस सिंगिंग, जो मधुमक्खियाँ है वो जो गुनगुनाता है उनको सुनना चाहता था इसलिए वापस जाना चाहता था। एंड मिस्टर लैम स्टॉकिंग, जो मिस्टर लैम बातें करता है बहुत ही अच्छा बातें करता है तो उनको सुनने के लिए जाना चाहता था। ही फेल्ट इफ़ ही डिड नॉट गो बैक टू हिम ही वुड नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो क्या सोच रहा था कि अगर मैं आज मिस्टर लैम के घर में नहीं जाता हूँ तो ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी मैं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे मम्मी ने अगर आज मना कर दिया, मैं अगर आ नहीं पाया तो पूरा ज़िंदगी भर मुझे मना करता रहेगा और मैं कभी भी कहीं पर भी जा नहीं पाऊँगा, ये बता रहा है कदम। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डू पीपल कॉमेंट सो पेनफुली अबाउट डेरीज पेन, व्हाई। या फिर सवाल ऐसा भी कर सकते हैं व्हाई एंड हाउ डू पीपल कॉमेंट सो पेनफुली अबाउट डेरीज फेस। 2014 में और 15 में आ चुका है, मे बी 19 में भी आ चुका है शायद, तो देखना पड़ेगा। देखिए डेरीज वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्न्ड ड्यू टू एसिड अटैक। एसिड अटैक के कारण उसका जो चेहरा है जला हुआ है, ठीक है। ही लुक्स वेरी अगली, वो एकदम ही भद्दा दिख रहा था, ख़राब दिख रहा था। सो पीपल कॉमेंट वेरी पेनफुली, तो ऐसा ऐसा दर्दनायक कॉमेंट करता था जिसको सुन के बुरा लगता था डेरी को। दिस सेड, वो क्या बोलते थे कि ओनली मदर कैन किस ऑन दैट साइड ऑफ द फेस। वो यही बोलते कि
ये जो जला हुआ सहरा है दूसरा कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ एक माँ ही किस कर सकता है उस जगह पर। बुरा लगता है ये बातें सुन के। जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको अगर आप ऐसे करके बोलेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। आपका पैर नहीं है, अगर आप फेस टू फेस जाके उनको बोलेंगे कि आपका तो पैर नहीं है, कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है यार। पीपल ऑलवेज स्टेयर एट हिम, लोग हमेशा उनको देखते रहते हैं। एंड पास्ट वेरियस नेगेटिव कॉमेंट्स, हमेशा कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स उनको सुनाते हैं जिसके वजह से उनको बुरा लगता है, बाहर जाना नहीं चाहते थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि हु शुड बी फ्रेंड्स, हमें दोस्ती किसके साथ करना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम। मिस्टर लैम और डेरी के हिसाब से दोस्त कैसा होना चाहिए और दोस्ती किसके साथ करना चाहिए, 2014 में आ चुका है, 2 to 3 मार्क्स का होगा। ये कहता है कि बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम हैव डिफरेंट व्यूज ऑन फ्रेंडशिप, उनका जो विचार था फ्रेंडशिप के ऊपर अलग अलग था। अकॉर्डिंग टू डेरी, डेरी के हिसाब से क्या था फ्रेंडशिप, कि फ्रेंड्स आर ओनली दोज पीपल होम वी नोन, ये पर नोन होगा, होम वी नोन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें दोस्ती उनके साथ करना चाहिए जिसको हम लंबा समय से जानते हैं, पहचानते हैं लंबे समय से। ऐसा नहीं होता यार, दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकता है, जैसे प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्ती भी ऐसी होती है, कभी भी किसी से भी हो सकता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्ड, सबसे बड़ा रिलेशन है दोस्ती मेरे हिसाब से। एंड वी कैन ट्रस्ट एंड फील हिम एज गुड वन, और दोस्ती ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेरी, मेरे हिसाब से नहीं, हाँ अकॉर्डिंग टू डेरी, वी कैन ट्रस्ट, वो विश्वास कर सके एंड फील हिम एज गुड वन, अगर उसके साथ रह के उनको अच्छा लगता है तो उनके साथ दोस्ती करना चाहिए उनके हिसाब से। और यहाँ पर मिस्टर लैम के हिसाब से देखिए, ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम सेड होम ही मेट इन हिज लाइफ आर फ्रेंड्स, उनके हिसाब से अगर ज़िंदगी में आप किसी से भी मिलते हो वही आपका दोस्त है, वो कोई भी हो सकता है। या स्केप्ट हिज हार्ट ओपन टू ऑल, वो अपने दिल को हर किसी के लिए खुला रखा है, कोई भी आज आ सकता है। लाइफ शुड बी एन्जॉयड, लाइफ शुड बी एन्जॉयबल, तो ये बताता है कि ज़िंदगी का मज़ा लूटना चाहिए, ज़िंदगी का मज़ा लूटो, ये बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट वन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर लैम व्हेन ही सॉ डेरी एंटरिंग हिज गार्डन आफ्टर क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल। देखिए, जब गार्डन वॉल को चढ़ के वो अंदर आया था तो मिस्टर लैम का रिएक्शन क्या था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर लैम, ठीक है, मिस्टर लैम का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने डेरी को देखा था कि वो गार्डन वॉल क्रॉस करके आ रहा है। अगर हम आप होंगे तो हम यही सोचेंगे, हाथ कोई चोर आ रहा है, उसको गाली देंगे, ऐसा होगा? तो आप सोचिए ज़रा, आपका वॉल है वो क्रॉस करके कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर आ रहा है, घुस रहा है, तो आपको तो गुस्सा आएगा, आप उसको डांटेंगे। लेकिन यहाँ पर लैम ने क्या किया, लैम ने बस यही किया, शांत व्यक्ति थे, अच्छा थे, मोटिवेटर थे। मिस्टर लैम शॉ डेरी एंटरिंग हिज गार्डन, वो तो देखा था कि हाँ अंदर आ रहा है कोई, ऐसा तो है। डेरी वॉज स्टार्टल, डेरी चौंक गया था, ठीक है, डेरी चौंक गए थे, स्टार्टल मतलब चौंक जाना, डेरी चौंक गए थे। ही गैप एक्सप्लेनेशन दैट ही डिडेंट एंटर टू स्टील एनीथिंग, उन्होंने एक्सप्लेन किया डेरी ने कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ों को चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम ट्राई टू कम्फर्ट डेरी, लेकिन मिस्टर लैम ने ट्राई किया कि ये डेरी थोड़ा सा कम्फर्ट हो जाए, नॉर्मल रहे, शायद डेरी डर रहा होगा। एवरीबॉडी कुड एंटर द गार्डन, और वो बोल रहा है कि कोई भी गार्डन में आ जा सकता है, टेंशन मत लो। या आस्क्ड हिम टू पिक अप राइप एप्पल्स, वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पर जो पका हुआ एप्पल्स है इसको तुम उठाओ, अगर तुम खाना चाहते हो तो खाओ, लाइक इन द लॉन्ग ग्रास, जो घास में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले प्लीज़ बी स्टेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा चैनल है सूत्रधर सार करके, उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर किसी में आपको सिर्फ बी एस ट्यूशन क्लास करके ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डस मिस्टर लैम हैव टिन लेग, मिस्टर लैम के जो पाव है वो टिन का बना हुआ है, टिन वो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, टिन का बना हुआ है, क्यों, ऐसा क्यों? आंसर है कि मिस्टर लैम हैज़ ए टिन लेग, वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ, उनका जो एक पैर है वो उखड़ गया था, किसमें, इन द वार, एक युद्ध हुआ था, युद्ध में उनका पैर उखड़ गया था, उड़ गया था। ही हैज़ टू वॉक ऑन एन आर्टिफिशियल टिन लेग, वो एक नकली टिन लेग बना के उससे चलना पड़ता है उसको। बट मिस्टर लैम डजेंट फील लाइक ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, लेकिन वो अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं मानते थे, वो ऐसा फील ही नहीं करते थे कि वो एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है। नो डज ही सफर फ्रॉम एन इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लिक्स, वो किसी से छोटा भी नहीं समझते थे कि मेरा जो ये जटिलता है, मेरा जो दिक्कत है, पेचीदापन है, इससे वो अपने आप को छोटा नहीं समझते थे दूसरे से, ठीक है। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम, लोग उनको लैमी लैम कहते थे बच्चे, बट
ही डजेंट माइंड इट, लेकिन वो इसका कोई मतलब नहीं निकालते थे, वो गुस्सा नहीं होते थे, ठीक है। लेम लैम मतलब जो लंगरा हो, लंगरा लैम्प ऐसा बोलते थे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, ख़त्म होने वाला है, बस लगे रहिए थोड़ा सा और। वंस यू गॉट होम, अगर तुम घर अगर एक बार चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम आप अपने आप को वापस नहीं आने दोगे, ऐसा बोल रहा था सेस मिस्टर लैम। मिस्टर लैम बोले कि अगर तुम घर चले गए तो तुम अपने आप को वापस यहाँ पर नहीं आने दोगे, गारंटी के साथ बोल रहा था टू डेरी, डेरी को बोल रहा था। इज ही राइट इन हिज असेसमेंट, वो जो मूल्यांकन कर रहा था, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि वो जो बता रहा था क्या ये सही है कि वो वापस नहीं आएगा, क्या वो वापस नहीं आया था क्या, तो यही बताता है। आंसर के साथ देखिए, मिस्टर लैम सेज दैट वंस डेरी गेट्स होम, मिस्टर लैम कहता है अगर वो एक बार घर चला जाता है, ही विल नेवर लेट हिमसेल्फ कम बैक, वो अपने आप को वापस नहीं आने देगा। पीपल से बट नेवर कम बैक, लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैं आऊँगा लेकिन वापस नहीं आता है, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। बट डेरी सेज दैट ही विल कम बैक, लेकिन डेरी क्या कहता है कि हाँ मैं तो वापस आऊँगा। मिस्टर लैम शुड वेट फॉर हिम, मिस्टर लैम डेरी के लिए इंतज़ार करना चाहिए, डेरी ऐसा कहता है कि आप मेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए, मैं तो आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। डेरी डास कम बैक, लेकिन डेरी वापस आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि हिज मादर डिडंट अलाउ हिम, लेकिन उनके माँ ने, डेरी के माँ ने उनके अलाउ नहीं किया था, बट ही केम टू मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम तक वो वापस आया था, समझा बुझा के आया था कि लोगों की बातों पर मत आओ, लोग तो भला बुरा कहेंगे ही लेकिन वो उतना ख़राब भी नहीं है, ठीक है, ऐसा करके कहा था। नेक्स्ट सवाल क्या है, वाई डज डेरीज मदर वॉन हिम नॉट टू गो टू मीट मिस्टर लैम, डेरी के माँ ने वॉन किया था, वार्निंग दिया था कि तुम मिस्टर लैम से मुलाकात करने के लिए मत जाओ, ठीक है। वाई डज डेरीज मदर वॉन हिम नॉट टू गो टू मीट मिस्टर लैम, इसका आंसर क्या होगा कि मदर्स, डेरीज मदर्स क्लेम्स टू हैव हर्ड मेनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम। देखिए यहाँ पर डेरी की माँ क्या कहते हैं कि बहुत सारे बातें वो सुन चुका है ऑलरेडी लोगों से, किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में ऑलरेडी सुन चुका है। She has been told and warned by the people. लोग उनको वार्निंग कर चुका है, लोग उनको बोल चुका है, लोगों से सुन चुका है, क्या सुन चुका है, She asked Derry not to go back there. और इसीलिए वो कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। Derry asks her not to believe all she hears. और Derry क्या कहता है कि तुम लोगों की बातों पर मत आओ, लोगों की बातों पर बिलीव मत करो। Derry asks her not to believe all she hears. He's determined to go there. और वो determined था, वो एक निष्ठावान था, ठान लिया था कि मैं वहाँ पर तो जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल और शायद ये लास्ट सवाल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसको नोट्स बनाओ, इसको रेडी करो, इसको समझो, इसको आपको समझाओ, एडिटिंग करो, बहुत टाइम लगता है। डिस्क्राइब द मैसेज दैट द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट कन्वेज टू द रीडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ ईयर नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं होता कि जो ऑलरेडी आ चुका है वो ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है उसका जो मेन मैसेज है, उसका जो थीम है, उनका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बता रहा है। उसका जो आइडिया है वो देखिए, वो है कि द वन एक्ट प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो फेस ऑफ इट है, ऑन द फेस ऑफ इट जो है कौन से डिफिनिट मैसेज, ये बहुत सारे मीनिंग्स को बताते हैं। क्या मैसेज बताता है कि लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड, जिंदगी को जीना चाहिए यार, जिंदगी का मजा लेना चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए अच्छे से। वी शुड ऑलवेज बी विद इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ये जो जिंदगी की जिंदगी है ये मुख्य अध्याय है, मुख्य धारा है ये जिंदगी का, इसको आराम से जिंदगी के बीच में ही रहना चाहिए, जिंदगी को आराम से जीना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू बी एलिनेटेड, हमको अपने जिंदगी से, ये इस दुनिया से अलग नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों से और हमको अलग नहीं करना चाहिए, हम एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए। नॉर शुड ही सफर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इफ वी आर फिजिकली सैलेंस्ड, देखिए हम अगर फिजिकली सैलेंस्ड है फिर भी हम दूसरे से जलना नहीं चाहिए, दूसरे से अलग नहीं सोचना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जिंदगी जैसे आता है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, ये सच्ची बात है, जिंदगी का बहुत बड़ा बात है कि जिंदगी जैसे आ रहा है ना वैसे ही उसको एक्सेप्ट करो, अगर आप ज़्यादा सोचने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप अच्छे से ज़िंदगी को जी ही नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ज़िंदगी जैसे आ रहा है, जितने सारे कठिनाई आ रहा है, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़े करो यार, क्या है, किसी को पैसा देना पड़ रहा है मेहनत करो दे दो, क्या है, फेल होने वाले हो सो व्हाट, मेहनत करो पास हो गए ना एक दिन धीरे धीरे। तो ज़िंदगी जैसे आ रहा है मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है।
अगर ये बातें आपको अच्छा लगा, समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो प्लीज़ बी एस टी स्टूडेंट क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, FB YT इंस्टा टेलीग्राम में बी एस टी स्टूडेंट क्लासेस करके हैं। थैंक यू सो मच।